हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे सरस्वती कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और एक बात और, जो बेल आइकन है उसको आप सभी लोग दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको समय से पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मैथ क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, समुच्चय सिद्धांत। तो देखिए, समुच्चय होता क्या है? समुच्चय जो होता है वो एक समूह होता है, एक संग्रह होता है। जैसे वस्तुओं, जैसे किसी वस्तुओं का समूह, जैसे भेड़ बकरियों का समूह है, चाहे विद्यार्थियों का समूह है, ठीक है, चाहे क्रिकेट के टीम में खिलाड़ियों का समूह है, संग्रह है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैथ की भाषा में समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। यानी समुच्चय वह होता है जो सुपरिभाषित, यानी एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि क्लास 11 में विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान बच्चों का समुच्चय, क्या आप कह सकते हैं कि ये लड़का बुद्धिमान है चाहे ये बुद्धिमान नहीं है? तो हम मतलब निश्चित नहीं कर सकते हैं कि कुछ बच्चे मतलब बुद्धिमान होंगे, तो ये संग्रह जो होगा वो सुपरिभाषित नहीं होगा, तो जो ये संग्रह वो समुच्चय नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। यानी सुनिश्चित होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, यानी वस्तुओं का वह समूह जो सुपरिभाषित हो, यानी सुपरिभाषित संग्रह हो, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। यानी हम लिख सकते हैं समुच्चय में वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, कहते हैं। देखिए, समुच्चय को, ये जो समुच्चय है इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, यानी जैसे कैपिटल ए हुआ या कैपिटल बी या कैपिटल सी, यानी समुच्चय को हम डिनोट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय का अवयव, चाहे अवयव पढ़ेंगे, ठीक है ना। अवयव क्या होता है, अवयव, ठीक है, अवयव इसको कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट इसको सेट बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, अवयव, यानी जिस वस्तुओं से हम समूह बनाते हैं, यानी समुच्चय बनाते हैं, उसे, उस वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, यानी उस समुच्चय का, उसको क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, ठीक है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई ओ यू, ठीक है। तो हम ए को क्या कह सकते हैं, यानी समुच्चय ए का एक अवयव है, ए भी एक अवयव होगा, 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 ठीक है ना। यानी जिससे समुच्चय, यानी जिससे समुच्चय बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समुच्चय का अवयव कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब कोई समुच्चय, कोई अवयव किसी समुच्चय का अवयव है कि नहीं है, उसे हम लोग, उसे दर्शाने के लिए चाहे उसे प्रदर्शित करने के लिए बिलोंग्स टू, यानी एक शब्द, एक ग्रीक अक्षर है, इसको ग्रीक अक्षर बोला जाता है, बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे ये जो बिलोंग्स टू है, ये दर्शाता है कि किसी समुच्चय का वो अवयव है कि नहीं। अगर अवयव है तो बिलोंग्स टू कहेंगे, ठीक है, अगर अवयव नहीं है तो बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू बोल देंगे, क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। जैसे यहाँ पे जो ए है वो समुच्चय ए का अवयव है, ई जो है, यानी हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू समुच्चय, ई बिलोंग्स टू समुच्चय ए, ठीक है ना। अब बताइए बी इसमें बिलोंग कर रहा है कहीं, तो बी इज नॉट बिलोंग्स टू समुच्चय ए, यानी
जो हमारा और इसमें दी नहीं है, इसलिए समुचे में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो किसी अवयव को यानी कोई अवयव किसी समुचे में अगर उपस्थित है तो उसको बिलोंग्स टू कहेंगे, अगर उपस्थित नहीं है तो उसको नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संकेतन, यानी संकेतन मतलब समुच्चय को अवयव को कैसे संकेत करते हैं यानी डिनोट करते हैं। तो हम बताएं आप लोगों को कि जो समुच्चय होता है उसको कैपिटल लेटर से यानी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो अवयव होते हैं उसको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय, जैसे समुच्चय का निरूपण हम लोग पढ़ेंगे, समुच्चय का निरूपण। देखिए समुच्चय को निरूपित करने की दो विधि होती है, एक होती है रोस्टर विधि, ठीक है, एक होती है रोस्टर विधि या सारणी विधि या सूची विधि, ठीक है ना, और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। देखिए रोस्टर विधि में क्या करते हैं, यदि कोई समुच्चय के अवयव को माझले कोष्टक में, माझले कोष्टक में कामा लगा करके लिखते हैं, जैसे हम कहें कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को अगर हम लोग रोस्टर विधि में लिखें तो हम लोग इसको लिखेंगे n बराबर 1, 2, 3, 4, यानी इसको हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है अगर इसको हमको रोस्टर विधि में लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे, यानी जो भी अवयव है सबको हम लोग कॉमा लगा के लिखते जाते हैं, ठीक है। यही समुच्चय निर्माण विधि में अगर लिखना हो तो समुच्चय निर्माण विधि में हम उसको लिखते हैं, अगर मान लीजिए कि एसी को समुच्चय निर्माण विधि लिखना है तो एक चर राशि लेते हैं, ठीक है, जो इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव को क्या करता है, दर्शाता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं यक्ष सच दैक, ठीक ना, यानी यक्ष ऐसा है कि यक्ष क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या है, यानी यक्ष कैसा है, एक प्राकृतिक संख्या, यानी समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग कोई चर राशि ले लेते हैं और वो जो चर राशि होती है वो प्रत्येक उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव को दिखाती है, ठीक है ना। तो इसका इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं, और रोस्टर विधि में, रोस्टर विधि में सभी अवयव को लिखते जाते हैं मझले कोष्टक में और बीच में कॉमा लगाते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कि अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय, ठीक है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय का, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हमको लिखना है, ठीक ना। समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखिए, रोस्टर विधि में लिखो, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, समुच्चय को किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला कैपिटल लेटर से हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कैपिटल लेटर यस ले लिया, तो बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए होता है, ठीक है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, होता है, पांच स्वर होते हैं। अब इसी को अगर आपको समुच्चय निर्माण विधि लिखना हो, ठीक ना, तो देखिए कैसे लिखते हैं, अगर समुच्चय निर्माण विधि लिखना हो
समुच्चय निर्माण विधि में इसको लिखेंगे यक्ष सच दैट, यक्ष क्या है तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे समुच्चय निर्माण विधि में। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे, तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास आप लोग का यही खत्म किया जाता है। आज का क्लास आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से एक बार फिर कहना है कि इस वीडियो को बहुत से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और एक बार आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हमारे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।